और राइट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं यहाँ पे एक डेफिनेशन है स्टेक होल्डर्स की और कौन लोग हैं वो इसके अंदर बताया गया स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो अफेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ से ठीक है ये इसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट होल्डर्स आर द पीपल इन्वॉल्व इन और अफेक्टेड बाय अ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है ना वो आपका प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है जो भी उससे अफेक्ट हो रहा है इवन आपका ओपोनेंट uh, आपके यूज़र्स आपके सप्लायर्स आपके बायर्स दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स ठीक है किसी भी फर्म कंपनी या प्रोजेक्ट में नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडेड द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट स्पोर्ट स्टाफ कस्टमर यूज़र सप्लायर इवन द ओपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर द स्टेक होल्डर्स अब आपने क्या करना है आपने ये सारे नाम बहुत अच्छे से फिंगर टिप पे कर लेना है क्योंकि आगे जो एग्जांपल है वो इसी से रेलेवेंट है अगर ये नाम आपको याद हो गए एग्जाम्पल इतनी बड़ी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहला यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेक होल्डर स्पॉन्सर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हमारे स्टेक है ठीक है नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर जो है ना क्रेडिट यूनियन कह रहा है ये वेट क्रेडिट यूनियन हम इसे कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं व्हेन वी रिक्वायर्ड द फाइनेंशियल बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें अगर रिक्वायर्ड होता है तो उसे हम क्या कहेंगे क्रेडिट यूनियन ठीक है सेकंड हमारे ये स्टेक होल्डर्स हैं थर्ड में हमारे पास स्टेक stake... अच्छा इस वाले स्टेक होल्डर को ना लीगल स्टेक होल्डर्स कहते हैं लीगल स्टेक होल्डर्स फिर हमारे पास कौन है स्टेक होल्डर्स में हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमारी प्रोजेक्ट टीम हमारे प्रोजेक्ट स्टाफ वेयर इज इट स्पोर्ट्स स्टाफ सप्लायर्स ओपोनेंट्स ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं अभी हमारे स्टेक होल्डर्स कैसे हैं आपने याद सिर्फ ये रखना है कि हमारे स्पॉन्सर्स है पहले में स्टेक होल्डर सेकेंड में हमारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा लेने के लिए वो जिसे हम लीगल स्टेक होल्डर्स कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोजेक्ट टीम्स प्रोजेक्ट स्पोर्ट स्टाफ सप्लायर्स और ओपनेंट हमारे स्टेक होल्डर्स जैसे एग्जाम्पल दी हुई है ये एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो कि अगर हम uh, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं Uh, या फिर हम एक प्रोजेक्ट uh, स्टार्ट करें हमने प्लांट्स लगाने वही वाला लास्ट वाला हंड्रेड ऑफ द प्लांट्स लगाने तो उसके लिए हमारा स्पॉन्सर कोई हमें स्पॉन्सर कर रहा है फॉर एग्जांपल एन एन जी ओ स्पोर्टिंग अस टू लैक्स फॉर दैट टू लैक्स दे आर स्पॉन्सरिंग दे आर द स्पॉन्सर्स वो हमें हमें क्या नीचे इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई है दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट वी कैन जस्ट रीड इट आउट फॉर बेटर कंसेप्ट और बेटरमेंट के हमें क्या लिखना है वहाँ पेपर में आइडिया हो जाता है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो हमें बजट्स देते हैं वो हमें एक्सपेक्टेड हम उन्हें एक्सपेक्टेड कर, करेक्टरस्टिक्स बताते हैं वो हमें एस्टिमेट बजट फिर देते हैं उसका उसके अलावा वो हमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ती है वो हमारे मेन सीईओ भी कहलाते हैं कि हमें अगर कुछ करना हो तो हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं फिर नीचे हमारे बैंक वाले आ जाते हैं। हम इनसे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं इनसे फाइनेंशियली हम इनसे स्पोर्ट मांगते हैं इनके इन फॉर्म ऑफ लोन्स और इंटरेस्ट बेस्ड कोई हम इनसे कहते हैं कि हम इंटरेस्ट आपको पे करेंगे आप हमें पेमेंट दे दें हम ये कारोबार स्टार्ट करें तो हम उनसे लीगली एक फॉर्म ऑफ पेपर की सूरत में अमाउंट ले लेते हैं और फिर आते इनका हमारे किसी भी बिजनेस पे कोई राइट नहीं होता दे आर जस्ट एबल टू डिमांड द मनी बैक व्हेन इट रिक्वायर्ड जब भी उसकी डेट पूरी होती है दे जस्ट हैव राइट टू आस्क फॉर द मनी बैक अदरवाइज़ इनका आपकी कंपनी या आपके कारोबार या आपके प्रोजेक्ट पे कोई राइट नहीं होता द प्रोजेक्ट मैनेजर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल प्रोजेक्ट इनकी बेसिकली आप लोग डेफिनेशन भी लिख दोगे ना बहुत होगा इसके अंदर कि वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को मतलब प्लांट्स लगाने के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कौन करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर उससे मैनेज करना है बजट उसने मैनेज करना है बाकी कहाँ कहाँ है ये उसने मैनेज करना है लोगों को कितने पैसे देने ये उसने मैनेज करना है कितने घंटे कौन काम करेगा ये भी उसने मैनेज करना ईच एंड एवरीथिंग वुड बी मैनेज बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी प्रोजेक्ट टीम जो इंस्ट्रक्शन मैनेजर के पास से मिलेगी उसके ऊपर वर्क करेगी कि वा कहाँ पर प्लांट्स लगाने कैसे लगाने प्लांट्स कब कब लगाने टाइमिंग्स क्या उसको काम करेगी उसके ऊपर स्पोर्ट स्टाफ क्या करेगा स्पोर्ट स्टाफ वो एम्प्लॉयर्स है जो कि उसको हेल्प करेंगे सपोर्ट करेंगे बाकी टीम्स को ठीक है जो टीम्स अगर उन्होंने बनाई है एक टीम आईटी की बनाई है डिफरेंट टीम्स बना दिए एक डिपार्टमेंट में तो उन तमाम टीम्स के अंडर भी कोई काम करेगा जो कि उस टीम को हेल्प करेगा उसके काम करने में टीम को ठीक है टीम के अंदर एक एक मेंबर होगा फॉर एग्जांपल एक आईटी का आईटी की टीम का हेड होगा एक उसका हेड होगा एक उसका तो उस टीम के अंडर स्टाफ जो काम करेगा उसे स्पोर्ट्स स्टाफ कहते हैं मैनी सप्लायर्स सप्लायर्स कौन हो गए सप्लायर्स वो हो गए जो आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे कि कहाँ कहाँ कहा, कैसे कैसे सप्लाई करना है किस किस जगह पर सप्लाई करना है सॉरी 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 सप्लायर्स आपको सप्लाई करेंगे चीज़ें फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर बनाने के लिए यहाँ पे उन्होंने कहा अब आपको ट्रीज़ लगाने के लिए चीज़ें ज़रूरत होगी ना तो आपको ट्रीज़ वग़ैरह आपको प्लांट्स सीड्स और वो लगाने के लिए जो औजार चाहिए होंगे वो सब कुछ जो सप्लाय जो भी बंदा सप्लाई करेगा उसे हम सप्लायर्स कहते हैं ठीक है और देने को मतलब वो चीज़ें आपको कोई ना कोई देगा ला कर तो वो सप्लायर्स हो गए आपके और फिर नीचे हमारे पास ओपोनेंट ओपोनेंट हमारे कोई भी हो सकते और जो भी हमारे दुश्मन होते हैं उसे ओपोनेंट कहते हैं अगर कोई फार्म या कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रही है तो उसके ऑब्वियसली कोई ना कोई एक और उसी के जैसी कंपनी होगी जो उसकी ओपोनेंट होगी वो चाहेगी हमारी सेल ज़्यादा और वो चाहेगी हमारे सेल ज़्यादा हो ठीक है